सीधे सीधे बोल देते कि चाय का ठेला सड़क पे लगाना है तो कोई नहीं मानता, तो झूठ ही बोल दिया, क्या जाता है झूठ बोलने में। 24 साल की प्रियंका पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर ये छोटी सी चाय की टपरी को चलाती है। कल शादी ब्याह का टाइम होगा, लड़का लोग को लगता है आपको कोई एक्सेप्ट करेगा, मतलब किसी को दिक्कत नहीं होगा? भाड़ में जाए ना करे, नहीं करेंगे शादी अपने बिजनेस के लिए। पहले बार घर में क्या बताए थे आप? कि जा रहे पटना बैंकिंग की तैयारी करने। अच्छा, हाँ। अभी क्या पता है घर में? अगर आप किसी चीज से प्यार करो ना, कोई चीज आपका जुनून बन जाए तो आप उसमें अगर गिर भी जाते हो ना तब भी आप वही करना चाहोगे। बेरोजगार बेरोजगार चिल्लाने से अच्छा उधर इतनी एनर्जी इन्वेस्ट करने से अच्छा आप कुछ और कर लो, उतने में आप सक्सेसफुल बन जाओगे। जिद्दी तो बनो, एक बार जिद तो करके देखो। प्रफुल्ल बिलोरे की वीडियोस देख देख कर उनसे इंस्पायर होकर मैंने भी सोचा कि मुझे चाय का दुकान लगाना चाहिए। बिजनेस प्रपोजल प्लान बनाया और बैंक के पास गई, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों बैंक के पास गई। इन उन्होंने बोला कि आप यहाँ के रेसिडेंट तो हो नहीं, लोकल रेसिडेंट, तो हम आपको लोन नहीं दे सकते। 24 साल के हो गए, कब तक रहे पेरेंट्स पे डिपेंड। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप सफर बिहार देख रहे हैं। देखिए इस वक्त पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर खड़े हैं, चिल्लाने का आदत नहीं है, बहुत धीरे से बोलेंगे और एक मोटिवेशनल स्टोरी आप सबको दिखाएंगे। ये स्टोरी है बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाली प्रियंका की। प्रियंका 24 साल की एक लड़की है, ऊपर से नीचे तक दिखाइए, अच्छा खासा कपड़ा पहन कर रखी है, पैर में अच्छा चप्पल है, जेब में स्मार्टफोन है, लेकिन फिर भी ये लड़की अच्छे जगह से पढ़ने के बावजूद भी, BHU से इन्होंने 12th किया है और तमाम अच्छे जगह से पढ़ने के बाद भी, अच्छे घर से होने के बावजूद भी ये लड़की पटना में पढ़ने के लिए आई थी और पटना में पढ़ने आने के बाद लगातार पिछले 2 सालों से सरकारी नौकरी में ट्राई कर रही हैं। ट्राई अभी तक सफल नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी लड़की ने हार नहीं माना है और पटना से घर जाने के अलावा जो है सो यहीं पर रह करके अपना स्ट्रगल, अपना जीवन का कहानी खुद लिखने का प्रयास कर रही है। बाकी प्रियंका से बात करेंगे। प्रियंका, सबसे पहले तो बहुत सॉरी इसलिए क्योंकि हम जैसे कुछ मीडिया वाले आकर के आपका जो है सो ग्राहकी खराब कर दे रहे हैं। नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। 24 साल उम्र है आपका प्रियंका, पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। थोड़ा सा आप बता दीजिए। आप लोगों को तो सब पता चल ही चुका है, अब मैं क्या बताऊँ। मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में भी जान ही चुके हूँ। 2019 में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद 2 साल मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बैंक एग्जाम्स की तैयारी की, बट हो नहीं पाया। तो ठीक है, वो मेरा सपना था ही नहीं बैंकर बनने का। मेरा सपना पहले से कुछ ना कुछ डिफरेंट करने का था, कुछ अलग करने का था। तो फिर जब एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं हो पा रहे थे तो लास्ट ईयर जब सेप्टेम्बर में मेरा रिजल्ट आया, फिर से फेल, बहुत बार फेल, तो मैंने सोचा कि नहीं, अब टाइम और एनर्जी दोनों इधर इन्वेस्ट नहीं करना है, अब टाइम एनर्जी कहीं और इन्वेस्ट करना है। तो उस समय मैंने एक वीडियो देखी थी प्रफुल्ल बिलोरे, MBA वाला, ही इज़ इंस्पिरेशन फॉर यूथ जनरेशन, आप तो जानते ही होंगे उनको, कौन नहीं जानता है। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई, बहुत ही ज़्यादा। वहीं से चाय का आइडिया आया, दिमाग में था कुछ तो करना है, क्या करना था, प्रफुल्ल भाई से आइडिया आ गया कि यही करना है। तो उनका भी स्ट्रगल काफ़ी रहा लाइफ में, उन्होंने भी 10,000 से शुरुआत की थी, आज उन्होंने करोड़ों का कारोबार खड़ा कर लिया और वो बहुत लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। तो है ना, मुझे भी क्या करना था ना, जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना है मुझे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ठीक है, मुझे चाय का ही करना है। और घर वालों को बोला कि पटना जाना है बैंक की तैयारी करनी, क्योंकि अगर सीधे सीधे बोल देते कि चाय का ठेला सड़क पे लगाना है तो कोई नहीं मानता, तो झूठ ही बोल दिया, क्या जाता है झूठ बोलने में। चलिए, प्रियंका की कहानी आपने सुना, अभी और बात करेंगे। पहले थोड़ा सा आगे जाइए पीयूष साहब, थोड़ा सा पहले इस बैनर को दिखाइए, एन इनिशिएटिव टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत, सोच मत चालू कर दे बस, चाय वाली पीना ही पड़ेगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। काफ़ी घिसा पिटा लाइन है, लेकिन आज भी जो है सो इस लाइन का मतलब और इस लाइन का जो मोटिवेशन है सेम है। चाय वाली वेलकम्स यू, बी कन्फ्यूज्ड टी लव एंड हैप्पीनेस। मीनू में देखिए, कुल्हड़ चाय है 15 रुपया का, मसाला चाय है 20 रुपया का, पान चाय है 20 रुपया का, चॉकलेट चाय है 20 रुपया का, कुकीज चाय है 10 रुपये का, यानी कि 15 से 10 रुपया से लेकर के 20 रुपये तक का, और ऑनलाइन पेमेंट का सुविधा भी है। 24 साल की प्रियंका पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर ये छोटी सी चाय की टपरी को चलाती हैं और बातचीत में इन्होंने कहा कि MBA चाय वाले को ये अपना मोटिवेशन मानती हैं, क्योंकि MBA चाय वाले जैसे लोग या फिर उनके जैसे यूथ जो होते हैं वो किसी से जॉब मांगने के अलावा जॉब क्रिएट करने में विश्वास रखते हैं, और वही कहना है प्रियंका का भी। प्रियंका, कितने दिन से यहाँ पर आप चाय की टपरी लगा रही हैं? 11th अप्रैल से स्टार्ट किया था, बीच में कॉलेज बंद था तो मैंने भी बंद कर दिया, फिर आज फिर से स्टार्ट किया और अब मंडे टू सैटरडे रेगुलर होगा, संडे को ऑफ। पटना कब आई थी आप? 30 जनवरी दिस ईयर। 30 जनवरी को यहाँ पे आप जनरल तैयारी कर रहे थे कंपटीशन का? कर नहीं रही थी, करने के लिए घर से बोला था आई थी, लेकिन तभी दिमाग में था कि पढ़ना तो है नहीं, अब बिल्कुल नहीं, कॉपी किताब नहीं छूना है। अच्छा,
अब जो करना है चाय ही है मेरा सब कुछ। तो आते ही मैंने शुरू कर दिया, जितने भी टी स्टॉल्स थे छोटे मोटे, जितने भी टी स्टॉल सब पे गई, सबको ऑब्जर्व किया, क्योंकि सीखना था ना पहले। दो तीन महीने मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारे टी स्टॉल्स पे गई मैं और देखा कि वो लोग कैसे कस्टमर से डील करते हैं, कितना मतलब कितना कप बेच लेते हैं, कैसे उनका दूध और पानी का प्रपोर्शन होता है, मतलब कैसे चाय से रिलेटेड जितनी भी चीज़ थी सब मार्केटिंग रिसर्च कर डाली। फिर एक बिजनेस प्रपोजल प्लान बनाया और बैंक के पास गई, प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों बैंक के पास गई कि सर मुझे प्रधानमंत्री मुद्रा लोन चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि आप यहाँ के रेसिडेंट तो हो नहीं, लोकल रेसिडेंट, तो हम आपको लोन नहीं दे सकते। तो मैंने बोला सर अमाउंट कहाँ है ज़्यादा, 30,000 या 50,000 के इसी के बीच में चाहिए, 30,000 से 50,000 के बीच में। तो उन्होंने बोला कि अमाउंट इज़ नॉट अ बिग इशू, यू आर नॉट मतलब हाँ रेसिडेंट आप यहाँ के हो नहीं तो हम आपको दे नहीं सकते, आपका कोई एड्रेस प्रूफ नहीं है ना आपका कोई बिजनेस का प्रूफ है। तो फिर ठीक है, फिर मेरे एक फ्रेंड ने हेल्प की मुझे, 30,000 क्रेडिट पे दिया, तो वहीं से मैंने उससे लेकर मैंने ये स्टार्ट किया। अच्छा प्रियंका, ऐसा तो नहीं है कि आपके परिवार वाले आपको पढ़ाना लिखाना अफोर्ड नहीं कर सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे पेरेंट्स सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन कब तक आप, कब तक पेरेंट्स पे डिपेंड रहोगे? हाँ आपको अपना भी तो कुछ करना है ना, 24 साल के हो गए कब तक रहे पेरेंट्स पे डिपेंड, अच्छा नहीं लगता मुझे, मुझे सेल्फ डिपेंड बनना था। आमतौर पर जब लड़की 24 साल की होती है तो माँ बाप लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। मेरे भी साथ ऐसा हुआ, मेरे भी घर में ऐसा हो रहा था। ऑब्वियसली यूपी बिहार है तो मेंटेलिटी तो वैसी होगी, पेरेंट्स भी सोच रहे थे कि कोई मेरे पर प्रेशर नहीं था जॉब का, वो लोग भी बोले ठीक है जाओ जो करना है करो, नहीं मिलेगा जॉब कोई बात नहीं। सब मान लिया जाता है कि अगर लड़की नौकरी नहीं कर पाए तो शादी ब्याह कर देना, मान लिया जाता है। हाँ ये मान लिया जाता है, लेकिन मेरा दिमाग थोड़ा अलग टाइप का है, मेरा दिमाग ये मानने को तैयार नहीं है। लोग बोलते हैं कि यार लड़की हो तो तुम पे जॉब प्रेशर नहीं है, कोई बात नहीं, लड़कों पे होता है क्योंकि उनको शादी करनी होती है, और लड़कियों को क्या अच्छा खासा लड़का कमाने वाला मिल जाता है। तो मैंने बोला ये आपकी मेंटेलिटी है ना, मेरी मेंटेलिटी है कि मुझे पापा के पैसों पे नहीं रहना, अब मुझे सेल्फ डिपेंड बनना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो नहीं हुआ ठीक है, आपके लाइफ में प्लान बी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो था बैंक की तैयारी, उसके अलावा मैंने सोच के रखा था उधर नहीं हुआ तो कुछ करना है डिफरेंट। तो प्रफुल्ल बिलोरे की वीडियोस देख देख कर, उनसे इंस्पायर होकर मैंने भी सोचा कि मुझे चाय का दुकान लगाना चाहिए। तो मैंने बस लोगों के बारे में नहीं सोचा कि कौन क्या कहेगा, उनका जॉब है, मुझे अपना जॉब करना है, तो मैंने अपना कर दिया। पहले बार घर में क्या बताए थे आप? कि जा रहे पटना बैंक की तैयारी करने। अच्छा हाँ, अभी क्या पता है घर में? अभी कल से बहुत हाईलाइट में आ गया, तो मैंने सोचा आज तो उनको पक्का पता चल जाता, तो मैंने सोचा कल ही बता दे, खुद से बता दे। तो वो लोग भी पब्लिक का रिस्पांस देख के मान ही गए। यानी कि एक 24 साल की लड़की बिना घर में बताए सड़क के बगल में एक छोटा सा टपड़ी अपने दोस्त से पैसा उधार लेकर के खोल रही है और घर में पता भी नहीं है, तो आप सोच सकते हैं कि लड़की के दिमाग में कितना बड़ा जो है सो बवंडर जो है सो घूम रहा है। सही बात बोल रहे हैं? ऑफ कोर्स जिद्दी हूँ मैं, बहुत ज्यादा जिद्दी, तो अपने जिद को सही जगह इस्तेमाल कर लिया बस। अच्छा घर में बोले पहले बार तो क्या मतलब घर से प्रतिक्रिया मिला? उनको बिलीव नहीं, मतलब लड़की मजाक कर रही है। अच्छा हाँ, तो फिर जब दिखाया ना कि ये ऐसे ऐसे, तो बिलीव हो गया एंड फिर बोले कि ठीक है जो करना है करो। फिर कुछ नहीं बोले? क्या बोलेंगे पेरेंट्स? देखिए आप ना हर बात का ब्लेम पेरेंट्स पे डाल देते हो कि यार मम्मी पापा नहीं करने देंगे, लोग नहीं करने देंगे। जिद्दी तो बनो एक बार जिद तो करके देखो, फिर देखना सब मान जाएंगे, सब मान जाएंगे। मेरे भी पेरेंट्स अगर डायरेक्ट बोलती ना कि जाके पटना सड़क पे दुकान लगाना है तो कभी नहीं आने देते, कभी नहीं। तो आप वैसे रास्ते निकालो ना, ठीक है थोड़ा बहुत झूठ चलता है। अब यहाँ पे झूठ अगर अच्छे चीज के लिए अच्छे, तो कोई यहाँ पे अगर आप गलत चीज के लिए पेरेंट्स से झूठ बोल रहे हो, कई बच्चे कोचिंग आते हैं यहाँ लेकिन क्लास बंक करके कहीं और चले जाते हैं, बोलते हैं मम्मी पापा हम कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं, तो गलत काम के लिए झूठ बोल सकते हो, तो मैं अपने बिजनेस के लिए झूठ क्यों नहीं बोल सकती? अच्छा घर में मान लीजिए कि माता पिता नहीं बोले, माता पिता तो बच्चों का भला सोचते हैं तो आपको नहीं बोले, आसपास में गोतिया लोग होगा, चाचा उचा लोग होंगे, फूफा लोग होंगे, मौसा? नहीं नहीं, उन लोगों का भी इतना वैसी मेंटालिटी नहीं है। मेरे इतने भाई बहन फैमिली में मैं अकेली हूँ, मेरे दो भाई हैं, छोटे हैं दोनों। अच्छा दो छोटे भाई हैं, आगे मतलब यही करना है? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने इतना बड़ा स्टेप उठाया है तो मेरा यही ड्रीम है कि कोई चाय वाली को एक ब्रांड बनाना है, अपने दुकान को, उनको अपने शॉप को, छोटे से स्टार्टअप को बहुत अच्छे लेवल पे लेकर जाना है, कंसिस्टेंट रहना है, मेंटली प्रिपेयर हूँ। हाँ किसी दिन मेरी अच्छी खासी सेल होगी तो किसी दिन डाउन भी होगी और किसी दिन ना के भी बराबर होगी, लेकिन हमको पीछे नहीं हटना है, इसी में लगे रहना है, लगे रहना है, लगे रहना है, क्विट नहीं करना है ये, क्योंकि ये मेरा सपना है। अगर आप किसी चीज़ से प्यार करो ना, कोई चीज़ आपका जुनून बन जाए तो आप उसमें अगर गिर भी जाते हो ना तब भी आप वही करना चाहोगे। तो मेरा भी यही है, मेरा जो भी है ये टी स्टॉल है,
अगर चार दिन सेलिंग नहीं भी हुई तो उसके लिए हम प्रिपेयर्ड है, क्योंकि बिजनेस है, ग्राफ ऊपर जाएगा तो नीचे भी ऑब्वियसली। सालों भी लग सकता। लग जाने दीजिए, मेरे पास टाइम है, हम कर सकते हैं। जब उधर दो साल हम दूसरे के सपनों को पूरा करने के लिए दो साल लगा सकते हैं, तो खुद के सपनों के लिए हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपको लगता है कि आप अच्छे परिवार से आती हैं, मान लीजिए कि अभी छोटा सा बिजनेस ही है, कल शादी ब्याह का टाइम होगा, लड़का लोग को लगता है आपको कोई एक्सेप्ट करेगा, मतलब किसी को दिक्कत नहीं होगा? भाड़ में जाए ना करे, नहीं करेंगे शादी अपने बिजनेस के लिए। तो बहुत बड़ी बात इस लड़की ने कही है कि भाड़ में जाए लेकिन अपना जो प्यार है उसको हम मुकम्मल करके रहेंगे। चार पांच प्रकार का आप चाय बेचती हैं, कहाँ से आइडिया है कि मतलब ये सब चाय बनाया जाए? मैंने खुद पहली बार ये सब फ्लेवर ट्राई किए थे। मैं ना चाय सुट्टा बार की ओपनिंग में गई थी, यहाँ पे पटना में ओपन हुआ था, तो वहाँ पे ना मैंने दो तरह के डिफरेंट चाय टेस्ट किए, एक पान फ्लेवर्ड चाय और एक चॉकलेट फ्लेवर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा यार ठेले वाले जो होते हैं ना वो सिर्फ ज़्यादा ज़्यादा आपको कुल्हड़ चाय रहेगा, तंदूरी चाय रहता है, मतलब बहुत कम ही ऐसा ठेला है जहाँ आपको फ्लेवर्ड चाय मिलेगा। तो मैंने बोला बच्चे हैं यहाँ पर तो बच्चों को कुछ नया पसंद आएगा, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अलग फ्लेवर रखा जाए। तो तीन अलग फ्लेवर है मेरा, पान चाय, मसाला चाय और चॉकलेट चाय। अभी धीरे धीरे और ऐड ऑन होंगे, रोज फ्लेवर एंड ऑल दैट जो भी है। अच्छा, लोग पीते हैं तो कैसा रिव्यू देते हैं? बहुत अच्छा, मतलब जनरली मैं बता रही हूँ कुल्हड़ चाय से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मेरे फ्लेवर्ड टी का जा रहा है। हाँ। अच्छा, पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर आप लगाए हुई है, मेन आपका टारगेटेड जो ग्राहक है, कस्टमर है, वो कौन है, मतलब सिर्फ यहाँ की लड़की या फिर बाहर के लोग? मैंने तो सोचा था मेन टारगेट स्टूडेंट्स ही होंगे, लेकिन आके यहाँ पे पता चला कि जितना इधर से है उतना उधर से भी आ रहे हैं लोग, एंड बहुत सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। हाँ, आगे भी जारी रहेगा? मैंने एक बार बता दिया ना, ये जिद है मेरा और इसको हम बहुत ऊपर तक लेकर जाएंगे, बीच में गिरेंगे भी मंजूर है, लेकिन इसको फिर कंटिन्यू ही रखेंगे। अच्छा, एक और सवाल, जेंडर इक्वलिटी पे बात होता है, लड़का लड़की को बराबर करने का बात होता है, आपको लगता है कि समाज में अभी इतना मेंटलिटी बन पाया है कि मतलब लड़का लड़की को एक तराजू पे रख के हम देख सकें? अब तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो लड़कियां सब फील्ड में आगे आ रही है, आप कोई भी फील्ड देख लीजिए, अब तो डिफेंस में भी, NDA में भी पहले लड़कों का था, अब वहाँ भी लड़कियाँ जा रही हैं। तो ये नहीं, आप छोड़ दीजिए ना, मम्मी पापा के जनरेशन को आप छोड़ दो, देखो आज का जनरेशन को क्या चाहिए, सब कुछ अपडेटेड वर्जन का चाहिए सब कुछ, तो दिमाग क्यों नहीं अपडेटेड वर्जन का रखते हो आप? जो भी है गैप है, जेंडर इनइक्वालिटी है, कोई भी चीज़ है, तो जब आप सब कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करने के काबिल समझते हो अपने आप को, तो दिमाग को भी एडवांस बनाओ ना। अगर यूथ ही चेंज ला सकता है, क्योंकि इंडिया इज़ अ यूथ कंट्री, अभी ज़्यादातर यूथ ही है यहाँ पर, तो मम्मी पापा की मेंटेलिटी नहीं बदलेगी, आई एक्सेप्ट डैट, क्योंकि बचपन से उनके वही देखने को मिला है, लेकिन हम लोग तो डिफरेंट देख रहे हैं ना, सारे बैरियर्स हम लोग को तोड़ना चाहिए ना, तो हम लोगों को भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, सारा जिम्मेदारी सरकार का तो नहीं है ना, गवर्नमेंट पे सब कुछ ठेकरा फोड़ देना, पेरेंट्स पे सब ठेकरा फोड़ देना कि वो नहीं करने देते, गवर्नमेंट में वैकेंसीज नहीं निकल रही, कहाँ से जॉब करे, बेरोजगार है यार, इतना बेरोजगार चिल्लाने से अच्छा उधर इतनी एनर्जी इन्वेस्ट करने से अच्छा आप कुछ और कर लो, उतने में आप सक्सेसफुल बन जाओगे। तो मेरा यही कहना है कि अगर एक बार अगर दिमाग में सेट कर लो कि ये करना अगर जिद्दी बन गए तो कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं, माँ बाप तक नहीं रोक सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि दिमाग में बहुत सारा आपके अंदर जोश था, उमंग था, जज्बा था कि हमको अपना कुछ करना है, नहीं करना है। 11 तारीख को आप यहाँ पर दुकान लगाना शुरू किया, 18 तारीख है, 7 दिन लगभग बीत गया। 7 दिन में मैंने 2 ही दिन दुकान लगाया, बीच में मेरी तबियत खराब हो गई थी, कॉलेज भी 2-3 दिन बंद था। कैसा बिजनेस लग रहा है, प्रॉफिटेबल? मेरा बिजनेस अनएक्सपेक्टेड रहा है, मैंने इतनी सेलिंग की कोशिश भी, मतलब ये तो मीडिया आने के बाद जो होगा हमको नहीं पता, लेकिन जब किसी को पता नहीं था तब भी मेरी सेलिंग बहुत अच्छी थी। चलिए, तो सेलिंग बहुत अच्छी है और हम उम्मीद करते हैं कि सेलिंग बहुत अच्छी रहे भी। बाकी प्रियंका का ये छोटा सा स्टॉल है, प्रियंका की छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी थी जो हम बहुत तफसील से प्रियंका से बात किए, सारा कुछ जितना भी पहलू हो सकता था सारा पहलू पर हमने बातचीत की है, और हड़बड़ी में बात करने का प्रयास नहीं किया इसलिए क्योंकि हड़बड़ी में कुछ एक चीज़ें हैं जो छूट जाती है। फिलहाल ये प्रियंका का छोटा सा स्टॉल है जो पटना वुमेन्स कॉलेज, थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए, पटना वुमेन्स कॉलेज के बाहर जो है सो यहाँ पर लगाती हैं। 1 सप्ताह जो है सो इनको ये दुकान खोले हो गया है, लेकिन फिलहाल मात्र 2 दिन जो है सो इस दुकान को ये चलाने के लिए यहाँ पर मौजूद रही हैं। बाकी जो है सो इनका टपरी जो है सो रात में यहीं पर रहता है, और तमाम जो यहाँ की छात्राएँ हैं वो छात्राएँ लोग जो है सो यहाँ पर चाय पीने के लिए आती हैं। प्रियंका की ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको दिखाने के लिए इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि एक 24 साल की लड़की जब ये ठान सकती है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने शौक को ऊपर रख करके, अपने माँ बाप से लड़ करके, अपने समाज से लड़ करके अगर इतना आगे जा सकते हैं, अगर घर में झूठ बोल करके भी जो है सो हम अपना प्यार को, अपने पैशन को अगर हम जारी रख सकते हैं, तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं प्रियंका की बातों से सीखनी चाहिए और अपने जो अपना जो शौक है उस शौक को जो है सो कहीं ना कहीं आगे बढ़ करके उसको अपनाना चाहिए और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। शौक
अगर आप पालते हैं तो उस शौक को जुनून में बदलने का प्रयास भी कीजिए। और लगातार जो है सो ऐसी स्टोरीज आपके सामने सफ़र बिहार के इस चैनल पर देखने को मिलता रहेगा, इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।